वेलकम टू दीपिका साइंस क्लास. टुडे वी विल डू एट्थ क्लास एनसीईआरटी साइंस ऑफ चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. स्टूडेंट एज यू नो अबाउट पॉल्यूशन, दिस इज़ ए वेरी कॉमन टॉपिक नाउअडेज एंड ए कंसर्न टू टेक अ नोटिस अबाउट इट. पॉल्यूशन इज ए फिनोमिना वेयर there is a mixing of many unwanted particles or impurities to the sources, that is air and water. Pollution हम उसे कह सकते हैं या प्रदूषण हम उसे कह सकते हैं जहाँ पर कुछ अनचाही चीज़ों को, कुछ गैसेस हो गए, कुछ गंदगी हो गई, इन सब चीज़ों को जब हम हवा और पानी में मिला देते हैं और उससे जो तैयार होता है उसे हम प्रदूषण या पॉल्यूशन कहते हैं. अब सबसे पहले हम देखेंगे एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन मतलब कि आपको पता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बना है. तो इसे सभी को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है. लेकिन अब हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे जो हवा है वो कंटामिनेटेड होती जा रही है अनवांटेड सब्सटेंसेस से, जिसका हमारे ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पर. और इसे ही हम ये क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं. अब आते हैं हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, हवा कैसे गंदी होती है या प्रदूषित होती है. जब हवा में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिनको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे धुआं हो गया, डस्ट हो गया, या ये कहाँ से आते हैं, ये जंगल में जब आग लगती है या कोई वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो ये पॉल्यूटेंट्स जो है एटमॉस्फेयर में हमारी वजह से भी जमा होने लग जाते हैं. कुछ सोर्सेज जो हैं वो फैक्ट्रीज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, और जो लकड़ी हम जलाते हैं या डंग केक्स हम पाथी वगैरह जो जलाते हैं, गोबर के उपले वगैरह जलाते हैं, उससे भी हवा में पॉल्यूटेंट्स जमा होने लग जाते हैं और वो हवा को पॉल्यूटेड कर देते हैं. इसकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं. अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हवा में मिलकर उसे प्रदूषित करती हैं. व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक. कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज पेट्रोल एंड डीजल. इट इज़ ए पॉइजनस गैस. इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. तो जैसा आपने देखा कि जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, कार हो, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, ये कई तरह की जो है पॉइजनस गैसेस जो हैं वो छोड़ते हैं जब वो कहाँ से आते हैं, जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल एंड डीजल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है. ये अगर शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो वो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है. साथ ही साथ अब ये भी देखा होगा आपने कि सर्दियों में जो धुंध होती है जिसे हम फॉग कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होने लगी है. अब इसे हम फॉग ना कहकर क्या कहते हैं, स्मॉग कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि विच इज़ मेड अप ऑफ, स्मॉग इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग. स्मोक में कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कम्बाइंड विद अदर एयर पॉल्यूटेंट्स एंड फॉग टू फॉर्म स्मोक. द स्मोक कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टी सच एज अस्थमा, कफ एंड व्हीजिंग इन चिल्ड्रन. तो ये क्या है, जब स्मोक के साथ फॉग इकट्ठा हो जाता है, धुएं के साथ धुंध मिल जाती है, तो वो स्मोक प्रिपेयर करती है जो दम घोटू होती है और उससे सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लग जाती है. जिनको अस्थमा है उनको सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, और साथ ही साथ खांसी और छींके भी बच्चों में कॉमनली देखी जाती है. तो बहुत मैनी इंडस्ट्रीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन. पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ए मेजर सोर्स ऑफ गैशियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाई कंबक्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स. इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज.
तो अब साथ ही साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इससे एयर पोल्यूशन के लिए कारण बनती हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है ये मेजर सोर्स है गैसियस पॉल्यूशंस के लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो पावर प्लांट से भी निकलते हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसका मतलब क्या है कि जो हवा से पैदा होने वाली बीमारियां हैं वो मोस्टली हमारे सांस लेने वाले सिस्टम को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। और कुछ और तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं जो हवा में मिलते हैं, जिन्हें हम CFCs कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ये रेफ्रिजरेशन में काम आता है, एयर कंडीशन, एरोसोल स्प्रेज इसमें काम आता है। जब हम इनको स्प्रे करते हैं तो इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस जो हैं वो बाहर निकलती हैं, और ये गैसेस जो है एटमॉस्फेयर के ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। आपको याद होगा कि ओजोन लेयर जो है वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। क्या आपने कभी ओजोन होल का नाम सुना है? क्योंकि धीरे धीरे जिस तरह से हमारे पास पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसका सीधा इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पर पड़ता है, और एटमॉस्फेयर में छतरी की तरह कौन तना हुआ है? ओजोन लेयर तना हुआ है, और इस पर ये CFC गैसेस जो है अटैक ही करती हैं और उसमें छेद करना शुरू कर देते हैं। जैसे छतरी पे छेद होने पर जब सूर्य की किरणें हमारे पास डायरेक्ट आती हैं वो हमें झुलसा सकती हैं, तो इससे टेम्परेचर क्या होता है, रेज होने लग जाता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि गैसेस, ऑटोमोबाइल्स विच बर्न डीजल्स एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टाइनी पार्टिकल्स विच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स, दे रिड्यूस विजिबिलिटी, और इसकी वजह से आमने सामने देखने में भी प्रॉब्लम होती है। जब इसे सांस लिया जाता है या अंदर लिया जाता है सांसों के द्वारा, तो ये डिजीज़ फैलाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, गंदा करते हैं। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है द ताजमहल के बारे में। ओवर द पास्ट टू डिकेड्स इंडिया मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न। एक्सपर्ट्स हैव वॉर्न्ड दैट पॉल्यूटेंट्स इन एयर आर सो डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल। तो पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल पर भी इसका इफेक्ट क्या है, दिखाई दे रहा है, और वाइट मार्बल जो है वो धीरे धीरे अपना कलर, वाइटनेस जो है वो ख़त्म करता जा रहा है, इसका ख़त्म होता जा रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाई पॉल्यूटेड एयर, बट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। तो सिर्फ जिंदा जीव जंतु ही नहीं अफेक्ट होते हैं पॉल्यूटेड एयर से, बल्कि बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज भी इसे अफेक्ट करते हैं। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सारे जो है रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये गैस जो है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये एसिड जब बारिश के साथ गिरती है तो वो रेन को भी, बारिश को भी एसिडिक बना देती है, और इसीलिए इसे एसिड रेन भी कहते हैं। एसिड रेन जो है वो मॉन्यूमेंट्स के, जो मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल है, उसके संगमरमर को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, और इसे मार्बल कैंसर कहते हैं। तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्कर। और इसी तरह से ऑयल रिफाइनरी से जो कालस निकलती है उसने इस मार्बल को येल्लो करना शुरू कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सर्वल स्टेप्स टू सेव द ताज। इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आपको साफ जो फ्यूल है वही यूज़ करनी है, जैसे CNG एंड LPG, साथ ही साथ अनलीडेड पेट्रोल भी यूज़ करने को कहा है ताजमहल के जोन में। एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको पता है कि द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, सन की जो रोशनी है वो अर्थ के सरफेस को गर्म करती है, और जो भी ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन हैज़ फॉल ऑन द अर्थ इज़ अब्जॉर्ब बाई एंड ए पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इन टू स्पेस। कुछ जो है अर्थ के द्वारा
अब्जॉर्व कर लिया जाता है और कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, कहाँ पर, स्पेस में। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, दिस ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। जो रोशनी या गर्माहट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाती है, वो उसके द्वारा ही अर्थ को गर्म होने का मौका मिलता है। अगर आपने कोई ग्रीन हाउस नर्सरी देखी है तो आपको ध्यान होगा कि जब सन की हीट जो है अंदर आने तो दिया जाता है पर उसे वापस बाहर नहीं जाने दिया जाता है। द ट्रैप्ड हीट वॉर्म्स द ग्रीन हाउस, और जो अंदर गर्माहट आ जाती है वो ग्रीन हाउस को गर्म करना शुरू कर देती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, और ऐसे ही जैसे नर्सरी के ग्रीन हाउस में गर्माहट को ट्रैप करके बंद करके उस जगह को गर्म, नर्सरी को गर्म किया जाता है, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर के साथ ही भी होता है जिसे हम ग्रीन हाउस अफेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस के बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं है, पर ये जीवन को खतरे में भी जरूर डाल सकती है क्योंकि एक्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर इज़ वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, क्योंकि जो CO2 है वो अगर हवा में ज़्यादा हो जाएगी तो वो इस इफ़ेक्ट को क्या कर देती है, बढ़ाने में मदद करती है। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा यूज़ की जाती है, प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है। अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होगी तो वो एज ए पॉल्यूटेंट काम करने लग जाती है। तो अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि CO2 जो है वो लगातार हमारी वजह से, इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से धरती पर बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। प्लांट्स क्योंकि CO2 को एटमॉस्फेयर पे एज ए फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं, अगर और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में हेल्प करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और CO2 का कंसम्पशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसीलिए क्या कर रही है, किस में हेल्प करती है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जमा होने में मदद कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप करता है और यहाँ स्पेस में जाने नहीं देता। इससे क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का जो है वो क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कुछ और गैसेस हैं जैसे मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्ट लाइक CO2, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। तो इन गैसेस की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट्स का सारी दुनिया भर में। बहुत सारे जो है कंट्रीज है वो इस एग्रीमेंट पे पहुँचे हैं कि धीरे धीरे हमने क्या कम करने हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, इनको हम धरती कहाँ ना छोड़ें, एटमॉस्फेयर पे ना छोड़ें, और जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल इसी का एक एग्जांपल है। अब व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं, तो देरे में बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ऑड एंड इवन नंबर की गाड़ियां चलाई थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ CNG का यूज़ भी बहुत हद तक क्या कर सकता है, रिड्यूस रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन कर सकता है, साथ ही साथ यूज़ ऑफ अनलीडेड पेट्रोल, और ये सब का किस में काम आता है, हवा शहर के हवा को साफ़ करने में काम आता है। और इस तरह से अगर हमने क्वालिटी ऑफ एयर और वेरियस लोकेशन में अगर सही करना है और गवर्नमेंट मॉनिटर करे, अदर एजेंसीज मॉनिटर करें, उन पर निगरानी रखे, तो भी और साथ ही हम अवेयरनेस भी जनरेट करें लोगों में अपने आस पड़ोस में, दोस्तों में, किसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में और उससे होने वाले अल्टरनेटिव नीड्स जो है, अदर सोर्सेस एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, अदर सोर्सेस के बारे में हम सोच सकते हैं, जैसे सोलार एनर्जी हो गया, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी हो सकता है। थोड़ी सी ही हिम्मत से हम सारा सिनेरियो जो है वो चेंज कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन का भी सेम है, वाटर पॉल्यूशन को हम जैसे डर्टी कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, उसमें यूज
और सीवेज का पानी वगैरह या इंडस्ट्री का यूज्ड वाटर जो हम उसमें डाल दें तो भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेंट्स के कारण वाटर जो है गंदा होने लग जाता है या पॉल्यूटेड होने लग जाता है। तो अब इसके बारे में एक स्टडी देखते हैं हम। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया। इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। मिलियन ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। हाउ रिसेंटली स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। द पॉपुलेशन लेवल हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive. तो आपने देखा किस तरह से हमारे अपने एक्टिविटीज़ जो है एक इतनी बड़ी नदी को भी डेड करने में कामयाब हो गई है। An ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. It aimed to reduce the pollution level in the river. However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga in 2016. तो ये कुछ specific एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम पॉल्यूशन लेवल को अब कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये पानी को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है हम पीते हैं उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। और इसे हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, तो बट नेचुरल है जो भी वाटर सूटेबल है ड्रिंकिंग के लिए उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। और कई फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हैं जिससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाटर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, उनको वाटर बॉडीज़ में भेजने से पहले, बड़ी नदियों में या नदी में नालों में डालने से पहले उसे साफ़ कर लिया जाए। तो वैसे ही म्यूनिसिपल बॉडीज़ भी है वाटर को जो सब ट्रीट करें उनको घर घर भेजने से पहले। तो लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो आप पहले देखते हैं कि फिज़िकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं, और एक पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर भी इस काम में मदद कर सकता है। दूसरा है कि हम उसको बॉयल कर लें और उसको वाटर पीने के लिए सेव कर लें, जिससे बॉयलिंग क्योंकि जर्म्स को मारने में हेल्प करती है। क्लोरिनेशन भी अदर कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड है जिससे वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। हम इसे क्लोरीन टैबलेट्स को ऐड करके ब्लीचिंग पाउडर को डालकर कर सकते हैं। वी शुड नॉट बी यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट दैन स्पेसिफाइड। लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी है क्योंकि ये भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। वट कैन बी डन, और हम क्या कर सकते हैं, सीधा सा है, हम कुछ लॉज बना सकते हैं, कुछ कानून बना सकते हैं जिससे कि क्या हो कि वाटर को साफ़ किया जा सके, उन्हें सही तरह से गंदे वाटर को सही तरह से डिस्पोज किया जा सके, वाटर प्लांट्स को जगह जगह पर इंस्टॉल किया जा सके। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में तो ज़रूरी है जिससे कि वो कॉशियसली वाटर को गंदा ना करें। साथ ही साथ हम 5 R का यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिडीम एंड रिजाइन। तो थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर, और अपने डेली रूटीन को सोचो कि आप वाटर को किस तरह से सेव कर सकते हो, और कोई भी क्रिएटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिसमें आप रीयूजिंग ऑफ वाटर कर सकते हो, जो आप वॉशिंग के लिए और दूसरे हाउस होल्ड टास्क के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स, में यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। पॉल्यूशन इज़ नो लंगर ए डिस्टेंस फिनोमिना, इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस, द वेरी सर्वाइवल आवर प्लानट इज इन डेंजर। सो बी अवेयर ऑफ पॉल्यूशन एंड मेक पर्टिकुलर एंड जुडिशियस यूज ऑफ water and air. Thanks.